हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं बना रही हूँ आलू की सूखी भाजी। ये उपवास में खाने वाली नहीं है, ये आप लंच डिनर में कभी भी ले सकते हैं। वैसी भाजी है और बहुत ही टेस्टी भाजी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आलू की सूखी भाजी बनाने के लिए मैंने यहाँ आलू बॉईल करके कट कर दिए हैं। नमक लिया है, शक्कर है और ये सारे सूखे मसाले हैं और ये मेथी दाना है। तो दोस्तों, यहाँ हमारा तेल गरम हो चुका है तो उसमें मैं अभी मेथी दाना डाल रही हूँ। और हमें इसमें जीरा राई कुछ भी नहीं डालना है, सिर्फ हमें मेथी से ही इसे तड़का देना है ताकि इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। अभी इसमें हींग डालूँगी, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर भी हमें ये तड़के में ही ऐड करनी है ताकि उसका कलर बहुत ही अच्छा आता है। और ये धनिया पाउडर है और अभी इसे मिक्स कर देना है। और अभी इसमें हमें आलू डाल देना है। और अभी इसे मिक्स करना है। देखिए दोस्तों, अभी मैंने भाजी मिक्स कर दी है और अभी इसमें नमक डालना है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। और इसमें थोड़ी सी चीनी डालनी है, ये ऑप्शनल है अगर आप डालना चाहो तो, लेकिन चीनी डालने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और अभी इसे मिक्स कर देना है और थोड़ी देर रहने देना है। और आपकी भाजी देखिए दोस्तों, अभी हमारे सारे मसाले भून चुके हैं और इसमें से तेल साइड में से छूटने लगा है, तो समझ लेना आपकी भाजी अभी रेडी हो चुकी है। देखिए दोस्तों, हमारी आलू की सूखी सब्जी अभी रेडी हो चुकी है। सिंपल सी 2 मिनट में बनने वाली लेकिन इतनी टेस्टी सब्जी है, ये आप जरूर एक बार इसे बनाइएगा। और अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।